हेलो एवरीवन, आप सभी का नए वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप गूगल पे में अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप अपने बैंक अकाउंट को गूगल पे में ऐड कर सकते हो विदाउट ATM कार्ड के। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला है कि आप गूगल पे में अपना बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर सकते हो विदाउट ATM कार्ड के। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ATM कार्ड के बिना आप अपने गूगल पे में बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो और उसमें बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो और लेन देन भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के मदद से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है और बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो हमेशा लेके आते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल प्ले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन के डाउनलोड लिंक हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो इस एप्लीकेशन को हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सिंपली हमें इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मांगेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना मोबाइल नंबर टाइप करके आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मोबाइल नंबर टाइप कर दे, उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन आ जाता है। जो भी ईमेल आईडी के साथ आप ऐड करना चाहते हो, उस ईमेल आईडी को भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें ये मेरा ईमेल आईडी है, इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP आ जाएगा, जो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, OTP आने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपने एक गूगल पिन ऐड कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट गूगल पिन। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक पिन सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको क्रिएट गूगल पिन में क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना गूगल पिन ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको प्राइवेसी हो सकता है, आपको सेट कर लेना है इस पिन को। हम यहाँ पे एक पिन सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक ही पिन दो बार डाल देना है। तो फ्रेंड, पिन सेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि कुछ परमिशन मांगेगा, उसको अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देखिए चेक अकाउंट बैलेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चेक अकाउंट बैलेंस में आपको क्लिक कर देना है। और चेक अकाउंट बैलेंस में क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे बैंक आ गया है। जो भी बैंक में अपना अकाउंट खुला हुआ है, उस बैंक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, जो भी अपना बैंक है उस बैंक का यहाँ पे नाम डाल देना है। चलिए फ्रेंड्स, मेरा स्टेट बैंक है, तो देखिए मैंने स्टेट बैंक डाल दिया और स्टेट बैंक आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे यहाँ पे बैंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी आपने बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और स्टेट बैंक को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, जो कि उसे अलाउ कर देना है। तो फ्रेंड्स, अलाउ करने के बाद आपको बैंक में एक मैसेज जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज सेंड कर देना है। मैसेज सेंड कर देखिए, सेंड मैसेज वेरिफिकेशन हो गया, और यहाँ पे वेरीफाइंग मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया, और फेल्डिंग बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों चीज़ जो है वेरीफाई होने के बाद देखिए आपका बैंक जो है ऐड हो गया। और यहाँ पे आप इंटर पिन, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे UPI पिन सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इंटर UPI पिन में क्लिक कर देते हैं। और इंटर UPI पिन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पिन दर्ज करने के लिए बोलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अपना पिन सेलेक्ट कर लेना है, जो कि ये प्राइवेसी आपको नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप अपना अनुसार यहाँ पे पिन सेट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना पिन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी यहाँ पे अपना पिन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पे पैसा जब चेक कीजिएगा या तो फिर किसी से ट्रांसफ़र करेगा, तो ये पिन आपसे मांगेगा। तो चलिए इस पिन को मतलब स्ट्रांग पिन डालिएगा, जो कि आपको याद रहे। तो फ्रेंड्स, पिन डालने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉन्फर्म UPI पिन आपको कॉन्फर्म होने वाला है, तो इस पर थोड़ा आपको वेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अकाउंट ऐड हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरह से बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी नेम है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है।
और कॉन्टिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये मेरा अकाउंट नंबर है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से कुछ अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, और बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आपको फिर से चेक बैंक बैलेंस में क्लिक कर देना है। और चेक बैंक बैलेंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा, जो कि आप पासवर्ड इससे पहले आप सेट किए इंटर UPI पिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पासवर्ड डाल के आप अपने बैंक बैलेंस जान सकते हो, जैसे कि आपको लाइव प्रूफ हम दिखा देते हैं। चलिए हमारा कितना बैंक बैलेंस है, तो फ्रेंड्स देखिए मेरा सामने कुछ आ जाएगा, मेरा जितना भी बैंक अकाउंट में बैलेंस है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा 876 रुपया है इस वक्त। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो विदाउट ATM कार्ड के। तो फ्रेंड्स आप भी जाइए इस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट को ऐड कीजिए गूगल पे में विदाउट ATM कार्ड के। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो में जो भी आपको बताया बिल्कुल समझ में आ गया है। तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि फ्रेंड्स लोगों को भी पता चल सके किस तरह से गूगल पे में अपना बैंक अकाउंट ऐड करें विदाउट ATM कार्ड के। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो हमेशा लेके आते हैं। फ्रेंड्स इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।